हेलो जी, मैं वर्षा और इन हाउस कुकिंग में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज आपके लिए बनाने सिंपल वाला खाना जो फटाफट से बन जाए। तो आज आपके लिए बनाएंगे दाल चावल और आलू का चोखा। ये देखिए, ये भिगा रखी है मैंने पहले से ही दो दालें। तो सबसे पहले डाल देंगे हम चने की दाल, जो कि मैं डालू हूँ, और दूसरी है हमारी ये वाली, ये आ गई आपकी हरड़ की दाल, जो मैंने भिगा के रखी है और जल्दी झटपट भी बन जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही भिगाई है। तो अभी क्या करते हैं, सारी दालों को डाल देते हैं कुकर के अंदर। ये डाल देंगे साथ में हरड़ की दाल भी, और दाल बनाने वाली हूँ मैं थोड़ी सी पतली पतली और बढ़िया सी। ये देखिए देखिए, ये डाल दी है दाल, और ये डाल दिया है मैंने पानी। साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़े से सूखे मसाले, ये डाल दी है तीखी लाल मिर्ची। साथ ही में डाल देंगे हम हल्दी, और साथ में डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार डाल देना है आपने इसमें नमक, और ये डाल दिया मैंने कटे टमाटर। कर दिया मैंने कुकर को, और क्या करते हैं फटाफट गैस पे रख के इसे कर लेते हैं अच्छे से पहले बॉईल। ये चढ़ा दिया है, और ये जला दी है गैस। उधर बन रही है हमारी दाल, और ये निकाल लिया है मैंने चावल। अभी क्या करती हूँ मैं, धुल के सीधा पानी डाल के इसको रखते हैं हम गैस के ऊपर। ये धुल के चावल हमने डाल दिया इसमें पानी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी हमने डालना है इसमें, ऊपर से मैं डालती हूँ पका हुआ तेल, यानी कि मैंने पहले से ही गर्म करके ठंडा करके मैं रखती हूँ तेल। तो दो चम्मच आपने ऊपर से डाल देना है इसमें तेल, स्वाद अनुसार डाल देंगे हम इसमें नमक। डाल दिया हल्का सा हमने जीरा, और अभी क्या करेंगे बंद करके इसको ढक के पकाना शुरू करते हैं चावल को। ये ढक दिया है और बनने के लिए हमने रख दिया है। ये देखिए, उधर लग बन रही है हमारी दाल, और इधर पकने वाले हैं चावल। तो अभी क्या करते हैं, आलू हो गए हैं थोड़े से, मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो क्या करेंगे, थोड़े थोड़े मैं इनको हाथ से अच्छे से फोड़ लूँगी, यानी कि ये देखो ऐसे करके आपने प्रेस करके ऐसे फोड़ लेना है सारे आलू को। ये देखिए, ये देखिए आपको मैंने अच्छे से क्या कर लिया है, फोड़ लिया है। आप भी सारी कटे प्याज हैं, ये डाल रही हूं मैं प्याज इसके अंदर। फिर डाल देनी है आपने छोटी छोटी, मैंने हरी मिर्चें कटिंग करके रखी हैं, ये डाल दिए मैंने इसमें हरी मिर्चें। ये देखिए, और हरी मिर्ची आप डाल देंगे हम इसमें, लाल मिर्ची थोड़ी तीखी वाली, ये देखिए, और एक चम्मच डाल देंगे हम इसमें धनिया पाउडर। एक चम्मच डाल दिया हमने इसमें अमचूर पाउडर। स्वाद अनुसार डाल देना है आपने इसमें नमक। ये देखिए, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, और आपने क्या करना है, ये देखिए इसी तरीके से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है चारों तरफ से। ये देखो, जितने भी आलू हैं बढ़िया तरीके से आप मसाले के अंदर मिक्स करेंगे तो खाने में भी बढ़िया टेस्ट आने वाला है फिर। तो ये देखिए, आप इस तरीके से इसे मिक्स करें, और चाहें तो इसे मिक्स करके आप ऐसे ही हल्का सा तेल और जीरा डाल के, हींग डाल के आप इसे तड़का भी लगा सकते हैं। आप वैसे वाला चोखा भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसी तरीके से आप सबको सर्व कर सकते हैं दाल चावल के साथ। ये देखिए, पर लेकिन मैं आज तड़का नहीं लगाऊंगी, और मैं ऐसे वाला ही दाल, ऐसे वाला ही चोखा बनाऊंगी। आप ऐसे वाला खाएं एक बार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपको भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये देखिए, चोखा हो गया अच्छे से बनकर तैयार, और अब क्या करते हैं फटाफट से देखते हैं अपनी दाल, और दाल में लगाना शुरू करते हैं फिर तड़का। ये देखिए, दाल अच्छे से पक गई है। अभी क्या करते हैं, तड़का लगाना शुरू करते हैं। हो गई गरम, और तड़के के लिए डाल दिया है मैंने इसमें तेल सरसों का, ये डाल दिया हमने जीरा, ये डाल दिए बारीक कटे प्याज, ये डाल दिए, ये डाल रहे हैं हरी मिर्च और अदरक। इनके देखिए, इसे कर लेना आपने अच्छे से फ्राई बढ़िया तरीके से। ये डाल दिए सूखी लाल मिर्ची, साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी,
ये देखिए अच्छे से भून लेना है, हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है प्याज को भी। ये देखिए इधर हो गए हैं पक बनकर, हमारे चावल भी हो गए हैं तैयार। ये देखिए आप मेरी तरह ही बनाए एक बार और आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा हमारा खाना बना हुआ। ये देखिए और चावल को आपने बनाकर थोड़ी देर ऐसे ही रखना है 5 मिनट, और उसके बाद हल्के हल्के उससे खोल देना है, आपके चावल बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और इतने बढ़िया लगेंगे। और अब क्या करते हैं, तड़का हो गया उधर तैयार और फटाफट से लगा के डालते हैं उसमें दाल। ये देखिए डाल दी है मैंने उसमें दाल, दाल गर्म थी तो इसलिए ऊपर आ रही थी, उछट रही थी। ये देखिए तड़ लग कर हो गई है, बढ़िया बनकर हो गई है आपकी दाल, बनकर हो गई है तैयार यानी कि वर्षा की। और जैसा हमेशा कहती हूँ एक बार बनाकर ज़रूर देखें। मैंने तो आपको बोला था दाल चावल और चोखा, लेकिन हमने बनाया है दाल भात और चोखा। आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसा हमेशा कहती हूँ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करना ना भूलें। अपना भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें, और हेल्दी हेल्दी खाना खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं।